महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में जेतवन बुद्ध विहार मित्र और मानसवी फाउंडेशन की ओर से भोजन दान, ब्लड डोनेशन कैंप और आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस वक्त शिविर के माध्यम से 35 लोगों ने मोतियाबिंदु का ऑपरेशन भी किया गया। बता दें कि कोरोना के कारण बीते 2 सालों से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन बड़ी तादाद में नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते इस वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास से लोगों ने ऐसे आयोजनों में हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर उपस्थितों ने अपना मनोगत व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के लिए मैं 7 साल से जब से इंदौरा में आई हूँ तो मैंने भव्य ही प्रोग्राम देखा है, और 2 साल लॉकडाउन के जो हमारे छूटे गए थे, और इस बार जो 131वीं जयंती बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आई है, इसमें जो जश्न हम देख रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि एक साहेब बाबा साहेब। और हमने कहा ही है कि बाबा साहेब ने कहा है कि कोई धर्म कोई कुछ नहीं है, उसी हिसाब से आज सारे लोग हमारे साथ हैं। मेरे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेरे रिस्पेक्टेड आदरणीय लोग हैं, वो सभी लोगों के साथ मैं आज बहुत खुश हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद, जय भीम। बड़ी खुशी की बात है, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 131वां जन्मदिवस है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे नागपुर शहर के अंदर में आज सवेरे 7 बजे से ऐसा लग रहा है एक वातावरण हर्षोल्लास का वातावरण है। हर क्षेत्र के अंदर में लोगों ने बढ़ चढ़ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाया है। भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर के अंदर में 1000 से ज़्यादा कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्र के अंदर में हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे सभी संस्थाओं के माध्यम से हमारे नागपुर शहर के सभी वासियों को, हमारे माताएं बहनें सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंती आज संपूर्ण देशभरातच नव्हे विदेशात देखील मोठ्या प्रमाणात साजरी होते। आज संपूर्ण देशवासियांकरता अत्यंत आनंदाची ही सगळी घटना आहे की ज्या महामानवानी केवळ संविधान दिलं नाही, केवळ संविधानाच्या माध्यमातून जगण्याची प्रेरणा दिली आणि या देशातल्या समस्त नागरिकांना एक दिशा देण्याचं काम सदैव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे। त्याच्यामुळे 131वी जयंती करताना आज केवळ नागपूर शहरात हर्षोल्लास आहे, नागपूरच्या कोणत्याही भागात तुम्ही गेलात तुम्हाला हा आनंदाचं वातावरण दिसेल। आज सकाळी 7 पासून म्हणजे तसं किंबहुना काल रात्री 12 वाजेपासून अशा प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात उत्सव नागपूरमध्ये झाले, देशामध्ये झाले, आणि आम्हा सगळ्या देशवासियांना आजचा दिवस अत्यंत प्रेरणा देणारा आहे आणि प्रेरणा पुरुष म्हणून संपूर्ण जगाकरता महामानवांचा आदर्श करेल असा मला पूर्ण विश्वास आहे।